अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका बेहद इस्तकबाल है हमारे YouTube चैनल में। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ एक ऐसा शक्तिशाली वजीफा जिससे आप अपनी मोहब्बत को बहुत ही जल्दी पा लेंगे। ये है लौंग का वजीफा, जिसमें आपको लौंग के इस्तेमाल से अपने माशूक को, आपकी प्रेमिका हो या आपकी बीवी हो या आपके शौहर हो, जिनसे आप बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, तो वो भी आपकी मोहब्बत में पड़ जाएंगी और आपसे बेइंतहा मोहब्बत करने लग जाएंगी। तो इस वजीफे को कैसे करना है आप ध्यान से सुन लीजिए और उसके बाद आपको स्टेप बाय स्टेप इसी तरीके से इस वजीफे को करना है। सबसे पहले आपको एक ग्लास में थोड़ा सा दूध ले लेना है, छोटे से ग्लास में आपको दूध लेना है। आप ये मान के चलिए कि बहुत सारा दूध नहीं लेना है आपको, थोड़ा सा दूध लेकर और उसके अंदर आपको लौंग डालनी है। तो चार लौंग ले लीजिए और उन चार लौंग के ऊपर आपको एक दुआ जो है वो उसके ऊपर दम करनी है। दुआ दम करने के बाद आपको लौंग उस दूध के अंदर डाल देनी है। और दुआ क्या होगी वो भी मैं आपको बता देती हूँ। दुआ में आपको सबसे पहले तो पढ़ना है दुरूदे पाक। जी हाँ, तीन बार आपको दुरूदे पाक पढ़ना है। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ये बोलते हुए आपको लौंग हाथ में लेनी है। और उसके बाद आपको लौंग हाथ में लेने के बाद इसके ऊपर आपको 21 बार बोलना है या वारियू, या आपको 21 बार बोलना है। उसके बाद लौंग के ऊपर दम कर दें और लौंग को दूध के अंदर डाल दें। अब इसे रात भर के लिए आपको किसी ऐसी जगह पर रख देना है जहां पर इसे कोई भी छेड़े ना और ये गिरे ना वहां से। तो आपको बिल्कुल सफाई से कहीं ऊंची जगह पर इस दूध को रख देना है। उसके बाद आपको सो जाना है और जब आप अगली सुबह उठेंगे तो आपको क्या करना है कि आपको ये दूध वापस वहां से उठा लेना है जहां पर आपने रखा था संभाल के। वहां से दूध का ग्लास उठा लीजिए और उसके बाद उसमें से आपको जो चार लौंग है वो निकालनी है बाहर। अब निकालने के लिए आपको क्या करना है कि मान लीजिए आपका नाम अगर नगमा है या अगर आपका नाम अशरफ है, तो आप क्या करेंगे कि एक एक लौंग निकालते जाएंगे और अपना नाम बोलेंगे। एक लौंग निकाली और कहा अशरफ, एक लौंग निकाली फिर कहा अशरफ। अगर नगमा नाम है तो ऐसे निकाला, एक लौंग को निकाला और बोला नगमा, दूसरी लौंग निकाली नगमा, तीसरी लौंग निकाली नगमा, चौथी लौंग निकाली नगमा, ऐसे आपने चार बारी अपना खुद का नाम बोलना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि जो दूध है, दूध में से लौंग निकल चुकी है, तो आपको दूध ले जाकर बिल्कुल भी इसको गिराना नहीं है और कहीं फेंकना नहीं है। अगर आपको कहीं कोई बिल्ली मिल जाए तो बहुत अच्छा है, आपको बिल्ली को ये दूध दे देना है पीने के लिए। और उसके बाद क्या करना है कि लौंग जो आपने निकाली थी वो लौंग आपको अपने पास आपने निकाल के रख ली है। अब आपको लौंग को अच्छे से कागज में लपेट के रखना है ताकि उसका जो दूध है वो कागज के अंदर सूख जाए। तो उसके बाद आपको लौंग को कूट लेना है और उसकी आप उसे किसी भी खाने की चीज में मिलाकर अपनी जो प्रेमिका है, जो आपकी माशूका है, या अगर आपकी बीवी है जो कि घर के अंदर ही है, आपसे उन रूठी हुई है, आपसे ठीक से बात नहीं कर रही है, आपकी बात मानती नहीं है, तो आप उनको वो लौंग मिलाकर कुछ भी खाने की चीज दे सकते हैं। जैसे ही वो उस चीज को खाएंगे यकीन मानिए कि आपका काम हो जाएगा, वो आपसे बेइंतहा मोहब्बत करने लग जाएंगे, आपके वश में हो जाएंगे। ये इतना ज्यादा पावरफुल वजीफा है कि इसे आप उन लोगों के ऊपर कर सकते हैं जो लोग आपके साथ में रहते हैं लेकिन आपकी बात नहीं सुनते, आपसे आप उनसे बहुत प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, लेकिन वो आपको बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देते, उनके मन में आपके लिए कोई फीलिंग नहीं आती है, तो आप ये वजीफा कर सकते हैं। इससे आप दोनों के बीच का प्यार और भी ज्यादा बढ़ने लग जाएगा। तो आप इस तरीके से इसको करें। और अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि वजीफा हम आपके लिए करें, तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारा नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, उस नंबर पर कॉल करके आप हमसे बात भी कर सकते हैं। तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, बेल आइकन को दबा दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। शब्बा खैर।